दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक नई शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आई है और यह वैकेंसी सरकारी स्कूलों में टीचर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में है। अब चूंकि टीचर्स का रिक्रूटमेंट सरकारी स्कूल में है, सरकारी जॉब है, तो इसका जो वेतनमान यानी कि पे स्केल जो है वो भी गवर्नमेंट का है। बेसिकली 34,800 से आपका बेसिक पे शुरू होता है और इसके साथ ही आपको दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं। अधिकतम उम्र 52 वर्ष की है। जब मैं अधिकतम कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कई कैंडिडेट्स जिनको सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट मिलती है, जैसे SC ST कैटेगरी के या फिर दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो उन सबको जो छूट मिलती है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 52 वर्ष बन जाता है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए जो एज कैटेगरी दिया हुआ है वो हम आगे चर्चा करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जा सकती है इसके लिए। तो चलिए देख लेते हैं और ख़ास बातें क्या हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, सबसे पहले वो जान लीजिए। सबसे पहले आपको स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और डेट ऑफ बर्थ को शो करने के लिए मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट आपको ज़रूर डालनी पड़ेगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जितने हैं आपके, प्लस मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है जिसपे पर डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपको ज़रूर डालना है। साथ ही अगर आप किसी तरह का छूट चाहते हैं एज में या रिजर्वेशन चाहते हैं तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं उसका आपको सर्टिफिकेट डालना होगा। अपना स्कैंड फोटोग्राफ रेडी रखिए, अपना स्कैंड सिग्नेचर रेडी रखिए और इसके साथ साथ यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है या फिर जॉब का एक्सपीरियंस है टीचर के तौर पे, तो एक्सपीरियंस लेटर और हायर क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स भी आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ और जो भी क्वालिफिकेशंस हैं ये यहाँ लिखा हुआ है जो हम दे सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। इस PDF के साथ साथ इसके पहले भी जितनी जॉब्स आई हैं उनके PDFs भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप जिस भी कैटेगरी के लिए, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए और इम्पॉर्टेंट क्या बातें हैं इस वैकेंसी के बारे में उसकी चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए डिटेल ऑफ फीस बता रहे हैं कि डिटेल ऑफ फीस में कैटेगरी नंबर एक मेल फीमेल की कैटेगरी के लिए ₹150, फीमेल के लिए ₹75, SC BC और EWS कैटेगरी के लिए मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए ₹18, यानी कि मैक्सिमम जो फीस है वो है आपका ₹150। PWD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई चार्ज नहीं है। कैटेगरी ऑफ जो सिलेक्शन है क्राइटेरिया उसको आप देख लीजिए। तो ये कहते हैं कि भाई आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन में 95 मार्क्स का सवाल आपको पूछा जाएगा। ये जो रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे उसमें सारा क्वेश्चन कंपलसरी होगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, MCQ, और आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 और वेटेज जो होगा वो 0.95 मार्क्स का होगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शंस फॉर अ क्वेश्चन देन 0.95 फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। आप नहीं अगर अटेम्प्ट करते हैं तो फिर 0.59 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ऑप्शन आपको 5 मिलेंगे। एक ऑप्शन इन्होंने ये दिया है कि एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवेन टू मार्क 5th ऑप्शन इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर। टोटल टाइम अलाउड फॉर द पेपर विल बी 105 मिनट्स। कुल 100 क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको 105 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये बात हो गई किस तरह से आपको एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारा भर्ती है ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ओरिजिनल वेबसाइट है और यहीं से आपको जब आप यहाँ होम अबाउट रिक्रूटमेंट और एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो
तो आपको यहाँ से इस पोस्ट के लिए सारा डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका वेबसाइट है hssc.gov.in, यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट 9 अगस्त है। फॉर्म भरने का डेट, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, 12 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा। और क्लोजिंग डेट है आपका 21 अगस्त रात के 11:59 तक। तो 12 अगस्त से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और 21 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। आपकी फीस 23 अगस्त तक भरी जा सकती है, जो मैंने आपको दिखाया कि ₹150, और अलग अलग कैटेगरी में और भी कम है। यह टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें आपको आप ये देख लीजिए, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन, कुल 1456 पोस्ट हैं और ये सारे पोस्ट प्राइमरी टीचर्स के लिए हैं, जो कि ग्रुप सी सर्विस है हरियाणा के अंदर। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, 21 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। दूसरी जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं, ये देखिए, प्राइमरी टीचर PRT ग्रुप सी सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा की तरफ से ये वैकेंसी है। कुल पोस्ट अगर आप देखें तो ये 1456 पोस्ट हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 607, SC के लिए 300, BC के लिए 242, BCV के लिए 170, EWS कैटेगरी के लिए 71, ESM जनरल कैटेगरी के लिए 50, ESM SC कैटेगरी के लिए 6, ESM BCA के लिए 5, और ESM BCB के लिए 5 पोस्ट रिजर्व करके रखा गया है। ये क्वालिफिकेशन है बेसिकली सीनियर सेकेंडरी, यानी कि +2 आपको होना चाहिए, 50% मार्क्स आपको होना चाहिए, और आपने 2 ईयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको BTC, DED या DLED कहते हैं, या फिर JBT भी कहते हैं, ये आपने जरूर किया हुआ हो। और इसके साथ ही दूसरी और भी क्वालिफिकेशंस यहाँ दी हुई हैं, ये आप धीरे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको आप देख सकते हैं। अगर आप BA, BSc, BCom हैं और आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है जो एलिमेंट्री एजुकेशन में, चाहे नाम उसका कुछ भी हो, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ ये क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको HTET पास होना चाहिए या फिर दूसरा किसी भी स्टेट का स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो जरूर पास किया हुआ होना चाहिए। साथ ही मैट्रिक में आपने हिंदी या फिर संस्कृत जरूर पढ़ा हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं कही गई है। 18 साल से 42 साल तक का एज ग्रुप रखा गया है, और पे स्केल जैसा मैंने आपको बताया था कि 9300 से 34800, ये पे स्केल होता है, बेसिक पे स्केल, और इसका ग्रेड पे होता है 4200। तो अगर यहाँ आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो सैलरी है वो ₹60,000 के आसपास से शुरू होगा। मैं हमेशा आप लोगों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इस PDF को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और उसके बाद सारा कुछ समझ करके तब अप्लाई करें। 42 ईयर्स तक का मैक्सिमम एज रखा है इन्होंने, लेकिन शेड्यूल कास्ट को 5 साल, शेड्यूल ट्राइब्स के बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी हुई है, डिसेबल पर्संस को 10 साल तक की छूट दी हुई है, वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हुआ डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस उनको 5 साल की छूट मिली हुई है, विडो या फिर डाइवोर्स्ड मैन जो है उनको 5 साल की छूट है, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन के लिए 5 साल की छूट दी हुई है इन्होंने, अनमैरिड वुमेन को 5 साल की छूट मिली हुई है, यानी कि 42 और 5 47 होते हैं, तो महिलाएं, जनरल महिलाएं जो अनमैरिड हैं वो 47 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकती हैं। एक सर्विसमैन को जो टोटल सर्विस है उसके ऊपर 3 साल जोड़ करके उतनी एज में छूट दी गई है। तो सबको अगर हम मिला देते हैं तो इन एनी केस जो है 42 ईयर से ज़्यादा आपको एज की छूट नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी भी बातें हैं इससे रिलेटेड वो हमने बात कर ली है। अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर पास इस नौकरी को पाने के लिए फॉर्म भरिए, और रिटर्न एग्जामिनेशन है, कोई इंटरव्यू है नहीं, तो इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी भी करने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।